मंदसौर फर्जी प्रकरण को लेकर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप घोषर के नेतृत्व व एडिशनल एसपी को दिया ज्ञापन। राजनीतिक दृष्टता के चलते अफजलगढ़ थाने पर पदस्थ समरथ सिनम ने कांग्रेस नेता पत्रकार रंगलाल धनगर के ऊपर फर्जी प्रकरण दर्ज करने के विरोध में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और दर्ज फर्जी प्रकरण खारिज करने का ज्ञापन दिया। आपको बता दें, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए। गौरतलब है कि फर्जी प्रकरण में रंगलाल धनगर के पुत्र लकी धनगर को अफजलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, कल वरिष्ठ पत्रकार एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता रंगलाल जी धनगर के ऊपर एक फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया, जिसकी आशंका पहले ही उनको थी और उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया गया था कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के चलते फर्जी प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। और कल वही हुआ, एक फर्जी प्रकरण उनके ऊपर बनाया गया है और जैसा कि वो प्रकरण 25 तारीख का बताया जा रहा है और उसमें उनके पुत्र को भी शामिल किया गया, जबकि उनके पुत्र एक वैवाहिक कार्यक्रम में थे और उनके वीडियो फुटेज भी बहुत से लोगों के पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से फर्जी प्रकरण है। हम समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं धनगर समाज के वरिष्ठ सम्मानित जन एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और उनको पूरी बात उनके संज्ञान में लाए और उनसे मांग की इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये पुलिस प्रशासन की जो गुंडागर्दी चल रही है और समरथ सिनम अपने आप में सिंघम का जो रोल कर रहे हैं, वो रंगलाल धनगर को पहले भी धमकी दे चुके हैं और धमकी देने के बाद इसको अंजाम तक पहुंचाया और फर्जी केस बनाया है और फर्जी केस बना के उनको अंदर डाला है। धनगर गायरी समाज सभी अभी तो इनको ज्ञापन दिया है और जब आश्वासन दिया है कि हम जांच की कार्रवाई करेंगे और जांच में अगर दोषी पाएगा तो संप्रम सिनम को सस्पेंड करेंगे। अगर इनको सस्पेंड नहीं किया तो धनगर गायरी समाज रोड पे आएगा, चक्का जाम भी करेंगे और जो पूरी की पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। जब तक रंगलाल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धनगर समाज बैठा नहीं रहेगा। देखिए, सूरज धनगर की रिपोर्ट।